क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम यूएसएम पब्लिक स्कूल है। मैं विनायक क्लीन नांगली दिल्ली में रहता हूँ। मैंने अपने स्कूल में सारे फंक्शन में पार्टिसिपेट करता हूँ। एनुअल फंक्शन में मैं हर उसमें डांस करता हूँ और कोरियोग्राफ भी करता हूँ। और मेरे स्कूल में सारी टीचर्स मेरे से बहुत प्यार करती हैं और प्रिंसिपल भी। यह भी डांस, क्रिकेट एंड अदर्स गेम में है। मेरे को स्टडी और लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत पसंद है। मैं स्कैरा डांस अकेडमी जाता हूँ। उनके ऑनर का नाम है संदीप भारद्वाज, वो मेरे सर हैं। मेरे भाई का सपना था कि वो डांसर बने, लेकिन मेरे भाई की डेथ हो गई, तो मैं अपने भाई का सपना पूरा करूँगा। इसलिए मैं डांसिंग में मैं अपना पूरा जी जान लगाऊंगा। मैं स्कैरा डांस अकेडमी में जाता हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा, ताऊ, जो सब लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं डांस में, सब मेरे को सपोर्ट करते हैं। और सब मेरे को हमेशा यही टोकते रहते हैं कि प्रैक्टिस करो, और सब इतना बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस ही करो। बस डांसिंग मेरे को इतनी अच्छी लगने लगी कि अब डांस के अलावा हमको कुछ नहीं आता है। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेमपाल कठेरिया। सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, भिलाई गलिम में। मेरा लड़का, बड़ा लड़का था राहुल, उसका एक्सीडेंट मृत हो गई है। ठीक है, उसका सपना था कि अपना छोटे भाई को डांस बनाए और बहुत उच्च तक पहुँचाएँ। ठीक है, मेरा बड़ा लड़का रहा नहीं है, तो छोटा लड़का ने मेरा नाम रोशन कर रहा है और डांस में बहुत रुचि लेता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है और कई मेडल जीत लेके आया है, ट्रॉफी जीती है मेरे लड़के ने। और सर, मैं ये चाहता हूँ मेरा लड़का इतना ऊंचा जाए कि मेरा भी नाम रोशन हो, मेरा शहर देश का नाम रोशन हो। मेरे माँ बाप भी सोच नहीं सकते, मेरे बेटा इतना काम अच्छा किया है और 4 राउंड लड़के ने पार कर लिए, 5 राउंड में मेरा बेटा ही जीते हैं। मोबाइल में ही और गाने में, डांस में ही कम से कम कभी कभी पढ़ाई भी कर लिया कर। हाँ, पढ़ाई तो करता ही नहीं है बिल्कुल, तू डांस में ही लगा रहता है। सॉरी, नमस्ते जी, मेरा नाम अनीता है, मैं विनायक क्लब नांगलोई में रहती हूँ।
और मेरे बेटे का सपना है, बड़े बेटे का सपना था कि वो डांस में कर सके, और वो मेरा बेटा नहीं रहा, उसके डेथ हो गई, तो इसलिए मेरे छोटे बेटे ने ये भाग उठाया है और इसलिए वो ये डांस करता है। और मेरा बेटा बहुत अच्छा है जो अपना पूरा ध्यान डांस में लगा रहा, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा करना चाहता था ये। और मेरे बच्चे, सब चारों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, और मैं अपने बच्चों पर गर्व करती हूँ कि मेरा बेटा, बड़े बेटे का मेरा सपना पूरा कर रहा, जी जान से उसमें मेहनत कर रहा है। और संदीप सर की भी बहुत बहुत, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनने ये रास्ता KKHD का हमें दिखाया, ताकि हम, मेरा बेटा इस रास्ते पर चल के आगे तक बढ़ सके। और ये राउंड, चार राउंड इसने पूरे कर लिए हैं और ये पांचवा राउंड है, इसको मेरा बेटा जीत के अपने घर और परिवार का, अपनी पूरी एरिया दिल्ली का नाम रोशन कर सके, नांगलोई का। बस मेरा ये सपना है। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है और मैं शिवम की सिस्टर हूँ। शिवम का डांस में बहुत इंटरेस्ट है, वो हर वक्त डांसिंग करता रहता है। वो बात भी ज़्यादातर डांसिंग की करता है और उसे बात पसंद भी नहीं है। स्टडी वगैरह में भी वो बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट वगैरह भी अच्छा आता है। वो हर एनुअल फंक्शन, हर कॉम्पिटिशन, यहाँ तक कि वो छोटे छोटे बच्चों को वो सिखाता भी है, और नहीं आएगा तो हेल्प भी करता है सबकी, छोटी छोटी बातों के लिए, बड़ी बड़ी बातों, हर तरह से अच्छा है। शिवम सपोर्ट करता है हर किसी को, तो वो इतना अच्छा है तो सब उसे सपोर्ट करते हैं। वो किस में कितना दम शो में गया है, उसने चार राउंड क्लियर कर लिया। बस यही है कि शिवम जीत जाए, क्योंकि ये मेरे भैया का ड्रीम है और वो ड्रीम जो शिवम पूरा करना चाहता है, जो मम्मी पापा का ड्रीम है, वो ड्रीम पूरा करके इस रियलिटी शो को जीतना चाहता है। जो टैलेंट का महासंग्रम, किस में कितना दम है, जिसमें शिवम को पहुंचकर, शिवम के पहुंचने पर सबको बहुत खुशी हुई है। अब बस शिवम की मेहनत है और शिवम बस जीत जाए। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है, मैं शिवम की छोटी बहन हूँ। मैं एक सुनिधि फिनान के लिए नांगलो दली 41 में रहते हैं। मेरा भाई डांस में जाता है। वो किस में कितना दम, वो बहुत सारे राउंड पूरे कर दिया है, वह फाइनल राउंड में पहुँच गया है। उसने बहुत सारे राउंड पूरे भी कर दिया है, वह बहुत अच्छा डांस करता है, वह हरदम पूरे डांस में ही रहता है। भैया, हम पूरे परिवार को भी मतलब खुशी है, वो हमेशा जीत के आए फाइनल राउंड में। मैं स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती राजेश चौधरी, नांगलोई क्षेत्र, USM पब्लिक स्कूल से, जो कि नांगलोई क्षेत्र में स्थित है। हमारे स्कूल का एक होनहार ब्रिलियंट स्टूडेंट शिवम, जो कि स्कूल की हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट करता था और हर एक्टिविटी में वो कोई ना कोई प्राइज जरूर हासिल करता था। मुझे भी पूरा विश्वास था उसकी जो भी परफॉर्मेंस को देखकर, कि कभी ना कभी ये बच्चा, ये होनहार स्टूडेंट किसी न किसी फील्ड में, या जो फील्ड इसको हासिल करनी है, एक दिन ये अपना मुकाम जरूर हासिल करेगा, और इसने ये कर दिखाया। शिवम किसने कितना है दम के अंदर, सभी जो इसके साथ में पार्टिसिपेंट थे, जो प्रतियोगी थे, उनको पीछे पछाड़कर, और उसने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई,
और उस सेमीफाइनल में भी इसने उसको भी क्लियर कर लिया और अब वो ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका है। हम जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टाफ है, जो भी सर हैं, हमारे मैनेजर सर, हम सभी दुआ करते हैं कि हमारा ये होनहार ब्रिलियंट स्टूडेंट ग्रैंड फिनाले में नंबर वन पोजीशन हासिल करे। हम सभी दिल से दुआ करते हैं। नमस्कार, मैं अंजू USM स्कूल की एक टीचर, जो कि हमारे स्टूडेंट हैं एक शिवम, उनकी क्लास इंचार्ज रही हूँ। उन्होंने क्लास में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बहुत सारे फंक्शंस जो हमारे स्कूल में होते रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि शिवम ने पढ़ाई के साथ साथ अपने जो इनके अंदर टैलेंट है उसको भी खूब संवारा है। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने स्पोर्ट्स में भी स्कूल में काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया है और डांस तो इनके हॉबी रही है और शिवम ने डांस में ग्रुप एंड सोलो दोनों ही परफॉर्म किए हैं। इसके अंदर कोई भी स्टेज फियर नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर इनको एडवांस बोला जाए कि आप स्टेज पे परफॉर्म करें तो इनके अंदर कोई भी डर वाली बात नहीं। पढ़ाई को भी इन्होंने कभी नेगलेक्ट नहीं किया, रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं और क्लास में भी जो इनके कुलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, सबके साथ रिस्पॉन्स और बिहेवियर बहुत अच्छा है। जो किसमें कितना है दम, जो शो है इनका, उसमें ये आगे जा रहे हैं और ग्रैंड फिनाले तक आज ये हमारे मुकाम को आगे लेके आ रहे हैं। तो हम बेस्ट विशेस देना चाहेंगे कि शिवम बहुत अच्छा परफॉर्म करे और हम सब के लिए एक मुकाम हासिल करके लाए। तो इतनी ही शुभकामनाएं दे रही हूँ मैं हम सब की तरफ से, ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल टीचर्स, स्टाफ एंड मैनेजर। मेरा नाम शुभम है, मैं आखिरी का छात्र हूँ। शुभम मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। ये इसने डांस में पार्टिसिपेट किया था, किसमें कितना है दम, ये फाइनल तक पहुंचा है। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे स्कूल का नाम रोशन करे और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करे। शिवम को बहुत अच्छा दोस्त हूँ, ये मेरे साथ रहता है और हम ये बहुत अच्छा, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। इसने एक डांस शो में हिस्सा लिया जिसका नाम है किसमें कितना है दम। मैं चाहता हूँ कि ये उसमें आगे निकले और अपने पेरेंट्स का और हमारे स्कूल का नाम रोशन करे। मेरा नाम तुषार है और मैं शिवम का अच्छा फ्रेंड हूँ और ये चाहता है, नहीं मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे से डांस करे और ये किसमें कितना दम में जीत के आए। किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम, शिवम में है दम, शिवम में है दम, शिवम में है और मैं नांगली में रहता हूँ। मेरी डांस एकेडमी का नाम स्कारेज डांस एकेडमी है और ये इनका नाम शिवम है, ये मेरे स्टूडेंट हैं। किसमें कितना है दम के बारे में मुझे मेरी एकेडमी में पता चला और मैंने इनका नाम एनरोल कराया। चार स्टेज क्रॉस करके अब ये फाइनल में पहुँचे हैं। आई विश और मैं अच्छा इनको कोरियोग्राफ करूँगा और ये एक अच्छा लेवल अचीव करेंगे।
स्कैरे डांस एकेडमी में मेरे सर ने हमें बताया कि किसमें कितना दम, एक टीवी शो है उसके लिए हमने ऑडिशन दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बार करके हम फाइनल में पहुँचे हैं। अब मुझे उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं करूँगा, मैं अपनी माँ बाप का सपना पूरा करूँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।